स्टूडेंट्स, आई एम इशफाक सर। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर वन। हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इस्टीमेट द प्रोडक्ट बाय रिकॉर्डिंग द नियरेस्ट बाय राउंडिंग द नियरेस्ट 10। हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इन दो नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। हम सबसे पहले जो जीरो से लेके टेन तक हमारे पास जो टेन नंबर्स आते हैं, हम सबसे पहले उनका मिड पॉइंट निकालते हैं, और फिर जो नंबर मिड पॉइंट से ऊपर आता है उसको हम ऊपर वाले नंबर के साथ राउंड ऑफ करते हैं, और जो मिड पॉइंट के नीचे आता है उसको हम निचले वाले नंबर के साथ राउंड ऑफ करते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर पहला है 36 मल्टीप्लाई बाई 54। यहाँ पर हमारे दो नंबर्स है 36 एंड 54। यहाँ पर जो 36 है ये 35 के ऊपर आता है, हम 36 को राउंड ऑफ करेंगे 40 के साथ, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, हियर 36 राउंडेड नियरेस्ट टू 40। और जो 54 है वो 55 के नीचे आता है, तो हम करेंगे 54 इज राउंडेड नियरेस्ट टू 50, यहाँ पर मैंने लिखा है। अब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किन नंबर्स के दरमियान होगा? 40 एंड 50, क्योंकि 40 एक ऐसा नंबर है जो 36 को नियरेस्ट जाता राउंडेड नियरेस्ट है, और 54 50 के राउंडेड नियरेस्ट है। हमें प्रोडक्ट ही करना है राउंडिंग नियरेस्ट टू 10। अब हम प्रोडक्ट करेंगे किसका? 40 और 50 का। अब हम प्रोडक्ट करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 50। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20। 0, 0, 0 एंड 20। नाउ ऐड देम, ये 0 एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 0 इज 0, दिस 0 इज 0 एंड दिस 2 इज 2, सो द आंसर इज 2000, जैसा कि मैंने यहाँ पर आंसर इसका नोट लिखा है। तो राउंडेड नियरेस्ट 10 हम ऐसे ही कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो 2000 हमारे पास आंसर आया ये 36 मल्टीप्लाई बाई 54 का राउंडेड नियरेस्ट आंसर होगा, राउंडेड नियरेस्ट 10 का आंसर होगा। अब हमारा पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी क्या है हमारा? 68 मल्टीप्लाई बाई 92। इसको भी हम सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे, 68 को हम अलग से राउंड ऑफ करेंगे और 92 को हम अलग से राउंड ऑफ करेंगे। 60 सबसे पहले आप नंबर 68 को देखिए, 68 70 के क्लोज आता है, तो हम 68 को राउंड ऑफ करेंगे 70 के साथ, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और 92 हमारे पास एक नंबर है, 92 किस नंबर के नियरेस्ट आता है? 92 90 के नियरेस्ट आता है, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो हियर द राउंडेड नियरेस्ट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 70 एंड 90। अब जो हमारा जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा था, वो मांग रहा था कि आपको प्रोडक्ट जो करना है वो करना है आपको राउंडिंग नियरेस्ट प्रोडक्ट। आपको अब जो जिन नंबर्स को आपने राउंड ऑफ किया उन राउंड ऑफ नंबर्स को आपको प्रोडक्ट करना है, जैसा मैंने यहाँ पर 68 को राउंड ऑफ किया 70 के साथ, 92 को मैंने राउंड ऑफ किया 90 के साथ। अब मैं 70 और 90 का प्रोडक्ट निकालूंगा, ऐसे जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 70 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 0, क्योंकि एनी नंबर वैन वे मल्टीप्लाई बाई 0 इज द 0 इट्स अलग, इस वन प्लेस वाले 0 पे हम क्रॉस डालेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 63। नाउ ऐड दिस टू नंबर्स, 0 एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 0 इज 0, 3 एज इट इज, ये 6 एज इट इज रहेगा। हमारे पास क्या आया? 6300, जो हमारे पास क्या आया आंसर 70 मल्टीप्लाई बाय 90 का, एज आई हैव मेंशनड दिस इज द रिक्वायर्ड
आंसर, मगर ये आंसर जो है ये क्या है, ये है राउंडेड नियरेस्ट टू टेन्स, क्योंकि यहाँ पर हमने 60, ये जो आंसर हमें मिला ये हमें कब मिला, जब हमने 70 को मल्टीप्लाई किया 90 के साथ। 70 कौन सा नंबर है, 72 क्या है, राउंडेड नियरेस्ट टू टेन किसका, 68 का। 90 क्या है, राउंडेड नियरेस्ट टू टेन किसका, 92 का। तो ये जो 6300 जो हमारे पास आंसर आया, ये क्या आया हमें, ये आया हमें आंसर राउंडेड नियरेस्ट टू टेन्स। अब हमारे पास है पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी है हमारे पास 85 मल्टीप्लाई बाई 85। यहाँ पर भी हम सबसे पहले 85 को राउंडेड नंबर्स नियरेस्ट टू टेन्स लिखेंगे, हमारी यहाँ पर चॉइस है, क्योंकि 85 जो है वो मिड पॉइंट है 80 से लेके 90 तक। हम 85 को राउंड आप 80 पे भी कर सकते हैं, 90 पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 80 पे किया, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, हियर 85 इज राउंडेड नियरेस्ट टू 80, और ये जो नीचे वाला नंबर है 85 इज राउंड नियरेस्ट टू 80। यहाँ पर मैं 80 पे भी राउंड ऑफ कर सकता हूँ, 90 पे भी राउंड ऑफ कर सकता हूँ, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, 85 हियर 85 इज राउंडेड नियरेस्ट टू 80 एंड 85 इज राउंडेड नियरेस्ट टू 80। यहाँ पर दोनों 85 ने जो नंबर्स मेरे पास थे इन दोनों को मैंने राउंड ऑफ किया 80 के साथ। अब जो मेरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो मुझे प्रोडक्ट करना है वो मुझे किन नंबर्स का करना है, राउंड जिन गिवन दो नंबर्स को, जिन दो नंबर्स के साथ मैंने राउंड नियरेस्ट किया उन्हीं दो नंबर्स का मुझे प्रोडक्ट करना है। ये रेड पेन से मैंने वही लिखा है, हियर द राउंड नियरेस्ट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 80 एंड 80। सो इसके लिए मैंने क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाय 80, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 0, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज द 0 इटसेल्फ। इस वन प्लेस पे जो 0 है इसके नीचे हम क्रॉस डालेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64, ये 0 एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 0 इज 0 एंड दिस इज 4 दिस इज 6, दिस इज द रुकायुट आंसर। ये जो हमारे पास है ये है रुकायुट आंसर। अब हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी है हमारे पास 48 मल्टीप्लाई बाई 42। यहाँ पर फिर से मैं इन दो नंबर्स को, 48 को राउंडेड नियरेस्ट टू टेन्स करूँ, 48 को मैं राउंडेड नियरेस्ट टू टेन्स करूँ 50 के साथ, क्योंकि 48 से लेके 48 से मुझे 50 पे जाना आसान है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो है 42, हियर 42 इज़ राउंडेड नियरेस्ट टू 40। यहाँ पर 42 को मैं राउंड ऑफ करता हूँ 40 के साथ, क्योंकि 42 पे हमें 40 पे जाना आसान है। यहाँ ये जो ऊपर वाला जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ये सिर्फ मैं नंबर उसको राउंड ऑफ करता हूँ प्रोडक्ट में। फिर यहाँ पर रेड पेन से जो मैंने लिखा है वो क्या है, हियर द राउंडिंग नियरेस्ट नियरेस्ट प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 40, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा था इस्टीमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग नियरेस्ट टू टेन्स, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 48 को राउंडिंग नियरेस्ट टू टेन्स किया 50 के साथ, 42 को मैंने राउंडिंग नियरेस्ट किया 40 के साथ, अब मुझे जो प्रोडक्ट करना है वो किसका करना है, 50 और 40 का। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट किया 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। 0 एज इट इज़ नीचे रहेगा, 0 प्लस 0 इज 0 दिस 0 इज 0 दिस 2 इज 2, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 2000। बट ये जो आंसर हमारे पास क्या है, 2000, ये 48 मल्टीप्लाई 42 का क्या है, राउंडेड नियरेस्ट प्रोडक्ट है, इनका एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये इनका राउंडेड नियरेस्ट प्रोडक्ट है। पार्ट नंबर जी है, पार्ट नंबर जी में हमें क्या है, 58 मल्टीप्लाई बाई 26,
यहाँ पर भी हम सबसे पहले राउंडेड नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस करेंगे, 58 को हम राउंड ऑफ करेंगे 60 के साथ, 26 को हम राउंड ऑफ करेंगे 30 के साथ, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब मुझे किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, 60 और 30 का, जैसा मैंने इस वाले लाइन्स में मेंशन किया है। हियर द राउंडिंग नियरेस्ट प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 60 एंड 30। सो अब मैं प्रोडक्ट किसका करूँगा, 60 और 30 का, लाइक दिस, 60 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन 0, वन ऑफ द प्लेस वाले 0 पे हम क्रॉस डालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, इन नंबर्स का हम ऐड करेंगे। हियर दिस इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, दिस इज 8 एंड दिस इज 1, 1800 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मगर ये आपको एक बात जहन में रखनी है, जो आंसर हमें आ रहा है 1800, ये हमें कब आया, जब हमने 60 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ। ये 60 क्या है, 60 राउंडेड नियरेस्ट नंबर है किसका, 58 का, और ये जो 30 है ये क्या है, राउंडेड नियरेस्ट नंबर है किसका, 26 का। थैंक्स स्टूडेंट्स।